क्रश तो मैं सीक्रेटली क्रश नहीं करती, मैं खुल्लम खुल्ला क्रश करती हूँ, एंड द सेलिब्रिटी इज क्रिस हेम्सवर्थ। आई डोंट हेट एनीवन, क्योंकि सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना उम्दा काम कर रहे हैं। एक कलाकार को दूसरे कलाकार की इज्जत करनी चाहिए, और मैं किसी को हेट नहीं करती। आई अप्रिशिएट एंड लव एवरीवन। आई डोंट नो, आई मीन क्या बहुत सारे रूमर्स आते हैं। एक तो रूमर स्पेशली ये था कि अंजुम ने खतरों में कुछ स्टंट ही नहीं किए हैं, बस ऐसी आगे बढ़ गई, विच इज़ अ वेरी बैड ह्यूमर बोल रही हूँ, रूमर वेरी बहुत ही फॉल्स रूमर है ये, बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टंट्स किए हैं खतरों में और बहुत मेहनत से आगे बढ़ी हूँ। सो या बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस के सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। आई थिंक एक पिकअप लाइन मैंने सुनी थी और मैंने मारी भी थी, वो ये है कि हैव यू लॉस्ट वेट बिकॉज यू बीन रनिंग इन माई माइंड। बहुत ही क्लीशे है लेकिन मैंने ये मारा है। या आई बर्प फार्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मुझे कोई शर्म नहीं है, ये तो नेचुरल चीज़ है यार, ये तो होती है लाइफ। जब मैं इलायची खाती हूँ एज अ माउथ फ्रेशनर, और वो इलायची का दाना ऐसे दांत में अटक जाता है ना, और कोई बोलता भी नहीं है यार कि अंजुम तुम्हारे दांतों में कुछ अटक गया है। अभी जस्ट मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, मज़ा आया था। एनिमल आई थिंक इधर अ कैट बिकॉज़ आई हैव अ पेट कैट, और लायंस लाइक कैट। Travel back in time and which era? I think जब धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन जी अपने जवानी में मूवीज कर रहे थे, I think that era, like what 80s? 80s, yeah. Not at all a morning person. Absolutely night person. My favorite hobby is cooking, actually. Like I love to cook.